चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्तशीलनारायण गोस्वामीति नाम्ने। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्री असादि श्री गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वथा अपने गुरुपाद पद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्शक त्रिवेणी स्वामी श्री शुभान श्री सिद्धर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत हमारे शिक्षा गुरुपाद पद श्री पादेश्वरी प्रभु के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करते हैं। यहाँ पर सभी वैष्णव वैष्णव के चरणों में यथायोग्य में प्रणाम अर्पण करते हैं। जैसे गुरुदेव ने आदेश दिया कि कुछ एक छोटी स्टोरी आपको सुनाने के लिए, इस स्टोरी का तात्पर्य आप लोग बाद में कंक्लूजन में बताना। एक छोटी सी स्टोरी है कि हम लोगों को भजन क्यों करना चाहिए, हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं, क्यों हरिनाम करना चाहिए, क्यों भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए, हमारे जीवन का माध्यम। हरि बोल। छोटा माइक ले लो ना, छोटा माइक ले लो, सही ये बार बार हो रहा है, आ रही आवाज, छोटा वाला ले लो, सही है। हरि बोल। छोटा वाला ले। तो एक बारी एक भिखारी भीख मांग रहा होता है। तो भीख मांगते मांगते एक दिन सुबह सुबह किसी सेठ से टकरा जाता है, और सेठ से टकराने के बाद वो उससे डेली की तरह एक बात बोलता है कि सेठ कुछ दे दो, भगवान आपका भला करेगा, कुछ आप दे दोगे तो मेरे पेट में कुछ चला जाएगा, मेरी भी दिनचर्या अच्छी हो जाएगी। तो वो जो सेठ होता है वो थोड़ा अड़ियल टाइप का होता है, वो दूसरी मेंटालिटी का होता है। तो बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इतना अच्छा खासा शरीर ले रखा, जवान हो, कुछ काम करो, मेहनत करो, मेहनत कमा के खाओ, तब तुम्हें अच्छा लगेगा कि क्या भीख मांग रहे हो। तो उसकी एक बात सुन के भिखारी बोलता है कि मालिक आपको क्या लगता है कि मुझे भीख मांगना अच्छा लगता है? तो बोलता है जब अच्छा नहीं लगता तो मांगते क्यों? बोले मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बिना क्वालिफिकेशन के मुझे कोई जॉब नहीं देता, और जॉब नहीं होती तो पैसे नहीं है, पर लेकिन इस पापी पेट को भरने के लिए कुछ तो चाहिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, भीख मांगता हूँ। तो वो जो सेठ होता है बोले तुमने बड़ी चिंता करी, आज से तुम मेरे लिए काम कर लो। बोले क्या बात कर रहे हो मालिक? बोले हाँ, आज से तुम मेरे लिए काम करो, मेरे लिए जॉब करो, जो भी पैसा आएगा उसे इज्जत से कमा के खाना, आज के बाद तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे यहाँ नौकरी करने के बाद तुम्हें कभी किसी के दरबार के आगे जाके भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले मालिक आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप जो भी काम बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। तो मालिक उसे बोलता है एक काम करते हैं कि तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे, मैं तुम्हें अपने काम में पार्टनरशिप देता हूँ। तो वो बोलते हैं कि आप कैसा काम दे रहे हो, अभी तक तो आप जॉब ऑफर कर रहे थे और अब आप क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस में पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि ठीक है मालिक, जैसा आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, कोई भी काम है कोई दिक्कत नहीं है। बोले पार्टनरशिप सुन तो लो पहले पूरी बात मेरी। बोले ठीक है। बोले पार्टनरशिप कैसी? बोले 90% की और 10% की। तो वो बोलता है कि मालिक मेरे तो आप 2000-4000 रुपए की नौकरी दे दो, कहाँ आप मुझे 10% का मालिक बना रहे हो अपने पार्टनरशिप बिजनेस में। तो बोलते 10% का पार्टनर नहीं बना रहा मैं तुझे, मैं तुझे कितने परसेंट का पार्टनर बना रहा हूँ, 90% का पार्टनर बना रहा हूँ। तो वो मालिक से बोलता है क्यों मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो, छोटी मोटी कोई जॉब देनी है तो दे दो, नहीं देनी तो मना कर दो, मैं कहीं जाके भीख और जाके भीख मांग लूंगा। तो बोलता है अरे मजाक नहीं उड़ा रहा तेरा, तो पहले मेरी पूरी बात तो सुन। तो बोले कि क्या बात सुनूं मैं आपकी, आप अभी थोड़ी देर पहले तक मुझे जॉब दे रहे थे, फिर आपने मुझे पार्टनरशिप बना दी, मुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बना दिया, और अब आप क्या कर रहे हो 90% का पार्टनर बनाया। बोले 1-2% का भी नहीं। बोले मजाक नहीं तो क्या है? बोले भीख नहीं देनी तो मना कर दो। तो बोलता है अरे पागल सुन, मेरा चावल का कारोबार है, तुझे दुकान में जा जाकर के वो चावल बेचना है, जितना भी चावल बिकेगा उसमें 90% तेरा, 10% बस तू मुझे मैं घर ला करके मुझे दे दियो। तो बोले मालिक कोई मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ? अगर तुझे वो बोलते अगर तुझे मजाक लग रहा है चल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन के बाद तो तुझे मजाक नहीं लगेगा। वो बोलता है मालिक तो भाई सच सच कह रहा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात है, कानूनी कार्रवाई कर रहा तो सच ही कह रहा होगा। तो बोले मालिक कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार हूँ। तो मालिक कह रहे ठीक है चलते, जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, अब दोनों एक बिजनेस में पार्टनर हो गए, कितने के 90% के और 10% के। अब वो बोलते मालिक आप चिंता मत करो, अब बाद आप घर जाके बैठो और एसी चला के
बेड पे आराम करो, आपको आपके 10% आपको महीने के एंड में मिल जाया करेगा। तो बोलते अच्छा, तो बोले आप चिंता नहीं करो, आपके बिजनेस को मैं दिन दूना रात चौगुना बढ़ा दूंगा। बोलते ठीक है। अब मालिक अपना घर आके आराम करता है और वो व्यक्ति पूरे महीने दुकानों पे जाकर के चावल बेचता है, दुकानों पे जाकर पार्टनरशिप में चावल बेचता है। वो एक महीना जब पूरा होने वाला होता है तो जो मालिक है वो सोचता है अब क्या करेगा, वो मेरे 10% मुझे ला करके महीने में एंड में दे देगा, पर लेकिन वो उस महीने आता नहीं। तो मालिक सोचता है लगता है कि ज्यादा मेहनती है व्यक्ति, एक महीने से इसका दिल नहीं भरा, अगले महीने दे देगा। अगले महीने वेट करता है, दूसरे महीने भी नहीं आता। बोले लगता है कि कुछ ज्यादा ही डेडिकेटेड लड़का पकड़ा मैंने, क्या बात हो गई, तो कोई पार्टनरशिप देख ली ना। हरी बोल, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं अगले महीने दे देगा। ऐसे करते करते मालिक वेट करते रहे, 6 महीने बीत जाते हैं और मालिक को मालिक परेशान हो जाते, बोले 6 महीने हो गए इसका कोई अता पता नहीं, फोन कॉल कुछ नहीं, आना जाना आराम दुआ सलाम कुछ नहीं, क्या चक्कर है। तो बोलता है कि एक बार जाके तो देखो, पता चले इतनी मेहनत भी ठीक नहीं है कि धूप में चलते चलते कहीं मरमरा तो नहीं, या बीमार बीमार तो नहीं हो गया, चलो घर जाके देखता हूँ। अब घर जाके देखते तो उसका तो आलीशान, जहाँ पहले वो झोपड़ी पट्टी में रखा था, झोपड़ी पट्टी की जगह आलीशान मकान बन गया। लगता है बिजनेस अच्छा चल रहा है। वो जाके दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा खटखटाने के बाद देखता है, बोलता है कि जिस नाम से उससे बोलते कि ये व्यक्ति यहाँ रहता है क्या। बोले हाँ जी मैं ही हूँ। तो बोले मुझे पहचाना। बोले आप कौन। अभी एक प्रश्न है, अगर आपके साथ ऐसा कोई व्यक्ति करे तो आप उस व्यक्ति को क्या कहोगे, क्या कहेंगे, गाली, क्या गाली दोगे, हराम खोर, नमक हराम, और कुछ ज्यादा भी कह सकते हैं, कहने वाले उसे पीट भी सकते हैं, है कि नहीं, चाहे सच्चाई उसके साथ सही होगा नहीं होगा, ऐसा करना सही होगा नहीं होगा, उस व्यक्ति के साथ उसको गाली देना, उसको मारना, उसके साथ कानूनी कार्रवाई करना सही होगा नहीं होगा। कितने लोग मानते कि सही होगा, हाथ खड़े करो, सही सही वाले हाथ खड़े करो, क्या उस व्यक्ति के साथ जो करा जाए वो सही होगा, सही होगा ना। ठीक है, अभी एक प्रश्न बताओ कि वो व्यक्ति वास्तव में कौन है, कौन है, कैसे हम है। हम जब इस जगत में आए थे तो हम कौन थे, कौन थे, कुछ लेके आए थे क्या, कि जायदाद वसीयत सोने की चेन 10-12 तोले की हाथों में कड़ी चुंग, कुछ लेके आए थे क्या, कैसे आए थे। अब क्या है हमारे पास में, क्या है, सब कुछ है। तो अभी एक पार्टनरशिप की बात करते, वहां पे पार्टनरशिप क्या साइन हुई थी, 90% और 10% की। अभी हमारे पास 24 घंटे पूरे दिन में पार्टनरशिप किसके साथ हुई, भगवान के साथ। अब 24 घंटे का 10% कितना होता है, कोई बताएगा, 2 घंटे 40 मिनट। कितने लोग हैं हाथ खड़ा करके ये कह सकते हैं कि हम 2 घंटे 40 मिनट डेली अपने ठाकुर जी को पार्टनरशिप जो करिए वो दे रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं, 1-2 बस, और बाकी कौन है, बाकी कौन हुए फिर। तो ये क्या सही है गलत है, काश स्मरण कर पाते हैं, पूरे दिन होता नहीं ना वहां पे, नहीं 16 माला कितने लोग करते हैं, यहाँ पे हाथ उठा के बताओ, 16 माला आपकी 1.5 से 2 घंटे में हो जाती है, चलो ज्यादा से ज्यादा माना 2.5 घंटे में हो गई। तो जो 16 माला करते हैं उनका तो लगता है कि हाँ वो 10% दे रहे हैं, जो 16 माला नहीं करते वो हाथ उठाना, जो व्यक्ति 16 माला नहीं करते वो हाथ उठाओ। अब अपने आप को क्या कह रहे थे आप लोग थोड़ी देर पहले, तो है कि नहीं, वास्तव बताओ सच्चाई है कि नहीं। तो हमें अब ठाकुर जी को 10% देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। आज के बाद 16 माला करेंगे सभी, बोले गिरिराज महाराज की जय, गौर प्रेमानंद कृपा भगवान को 10% जोर जोर दिया करो, मतलब है कम से कम ठाकुर को हरिनाम से माला करो, ठाकुर को भोग लगाओ, रामायण पढ़ो, नहीं तो गीता पढ़ो, नहीं तो भागवत पढ़ो, हैं जरूर, ठीक है सब। भगवान अरे भगवान कृष्ण आने वाले हैं, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री मैया जसोदा की, बोले श्री नंद बाबा की जय, जय में आनंद ले रहा है।
जब ठाकुर जी जन्म होने जा रहे थे ना, 33 करोड़ देवता भी स्वर्ग से पुष्प वृष्टि कर रहे थे, सारे देवता भी ठाकुर को जयकार दे रहे थे। इसलिए एक बार जोर से जयकार दो, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी लग रहा है जय आवाज है। देखो कहते श्री, कहते एक चंद्र वंश हुए और एक सूरज वंश हुए। कहते सूरज वंश में भगवान श्री रामचंद्र आए और चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण चंद्र आए। लेकिन ये जो दोनों आए ना, एक ही वंश में आए हैं, एक वंश में आए। कहते ब्रह्मा जी से कर दक्ष प्रजापति हुए, दक्ष प्रजापति से एक राजा हुए, ऐसे करते करते उसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था श्राद्ध देव मनु। क्या नाम था? इनके घर में सारी चीज, कोई चीज, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन एक चीज की कमी थी घर में, घर में कोई संतान नहीं। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को बताया, तब वशिष्ठ जी यज्ञ किया है, यज्ञ किया तो बोले घर में एक बेटा चाहिए। जब यज्ञ हो रही थी, राजा की इच्छा घर में बेटा हो, लेकिन रानी की जो इच्छा है ना, बोले घर में बेटी हो। बोले वो बेटी क्यों चाह रही थी? बोले बेटा होगा तो राजा को मदद करेगा, लेकिन एक बेटी होगी ना वो फिर ये माँ की मदद करेगी। इसलिए जो रानी थी, जो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, उनको कानों से चुपकी से बोल दी, बोले देखो अगर घर में लाली होगी ना, बेटी होगी, फिर मुँह माँ की दक्षिणा मिलेगी, फिर बेटा होगा तो मैं कुछ दक्षिणा नहीं दूंगी। फिर ब्राह्मण लोगों को सोचते भैया बढ़िया दक्षिणा से मतलब है। पहले पहले ऐसे मंत्र होता था, अगर बेटा का मंत्र बोल दो ना, अगर उसमें खीर बनाया जाए वो बेटा होगा, अगर लड़की से मंत्र बोले लड़की हो जाती थी। ऐसे ऋषियों के पास से मंत्र होता था, ऋषि बोले भैया बढ़िया दक्षिणा से मतलब, उन्होंने यज्ञ तो किया लेकिन यज्ञ में बेटा का मंत्र नहीं बोलकर बेटी का मंत्र बोल दिया। अब बेटी के मंत्र बोला राजी को, रानी को खीर खिलाया गया और बड़ी सुंदर एक बेटी हुई जिनका नाम था एला। इतने में राजा ने बोले वशिष्ठ को, बोले महाराज मैं तो सोच रहा था घर में बेटा होगा, ये बेटी कैसे हो गई? तो उन्होंने बुलाया वशिष्ठ को, बेटी कैसे हो गई? बोले महाराज इसमें हमारी कोई दोष नहीं है, ये दोष आपस में है, इनका मतभेद है। उनकी पत्नी कहती है घर में बेटी हो और राजा कहते घर में बेटा हो। पत्नी ने बोला अगर बेटी होगा तो मुंह में आगे दक्षिणा मिलेगी, हमने सोचा बढ़िया बढ़िया दक्षिणा से मतलब, हमने बेटी के मंत्र बोल दी। इतने में श्री वशिष्ठ जी बोले देखो घर में जो बेटी आए ना, दुनिया क्या कहते हैं, घर में लक्ष्मी आई है। कौन घर में आई है? लेकिन बेटा आए तो कोई कहता है नारायण आया, कोई बोलता है नहीं, घर में बेटी आई तो कहते घर में लक्ष्मी आई। आप देखना जब कन्या को दान करते हो उसी समय लक्ष्मी स्वरूप मान करके दान करते हो, इसलिए कन्या दान को सबसे श्रेष्ठ दान बताया गया, श्रेष्ठ दान बताया गया। कन्या दान जैसे दुनिया में दान और कुछ हो ही नहीं सकता है। अरे कन्या वाला का हाथ ऊपर रहता है और लड़का लोगों का हाथ कहाँ रहता है? नीचे रहता है, उनका हाथ हर समय ऊंचा रहता है लड़की। अरे घर में सचमुच से लड़की आए ना, आप देखना लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती। क्यों? जो लड़कियां हैं वो लक्ष्मी की स्वरूप ही माता हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात जानते हो, घर में अगर बेटा हो गया ना बड़ा खुश होते हैं, अगर बेटी हो गया ना नाना नानी का तो पहले ही खराब हो जाता है नाना नानी का अवस्था खराब, घर में बेटी कैसे आ गई। लेकिन आप लोग देखना कभी भी बेटी पिता की हक नहीं मांगता है, कोई जब कोई घर द्वार मांगती है बेटा ही दावा करता है। बल्कि हमने बहुत सारी जगह पर देखा है, हैं? अगर कभी कभी घर में बहू नहीं बहू आ गई ना, पता नहीं बेटा का कान में क्या मंत्र देता है, दूसरे दिन बेटा का मुंह खराब हो जाता है। मैंने बहुत सारी जगह पर देखा लेकिन कभी बेटियां कभी खराब नहीं देखा। अगर बेटी भले ही ससुर घर में रहती है अपना घर में, लेकिन वहीं से पिता माता की खबर लेती रहती है, मेरे पिता कैसे, मेरे माता कैसे। मैंने बहुत जगह पर देखा है घर से कभी अगर पिता माता को किसी लड़ाई चला गया तो लास्ट में बेटी को पास में सहारा लिया। मैंने बहुत जगह पर ये सब चीज देखा है। इसलिए भैया बेटी क्यों नहीं हो, बेटा क्यों नहीं हो, दोनों को आदर पूर्वक रखो, हैं हैं, दोनों को जत्न पूर्वक। बेटी आए तो लक्ष्मी मानकर घर में, लक्ष्मी स्वरूप मानकर उसको पालना करनी चाहिए, दुखी नहीं होनी चाहिए। बताओ अगर जगत में बेटियां नहीं रहेगी, सारा दुनिया बेटा बेटा हो जाएगा, दुनिया रहेगा? बताओ ये दुनिया रहेगा नहीं रहेगा, दुनिया नष्ट हो जाएगी,
अगर कि बेटा बेटा हो गया तो ये दुनिया जो रखिया हो रही ना वो माताओं की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? माताओं की वजह से दुनिया रखिया हो रहा है। इसलिए वशिष्ठ जी खूब बोले, देखो घर में बेटी आई ना, कौन घर में आई? लक्ष्मी आई। बोले भैया बात तो ठीक है लेकिन हमें एक बेटा चाहिए, क्योंकि राज सिंहासन को कौन संभालेगा? तो उन्होंने देखो ऋषियों के पास मैं क्या मंत्र सकती हूँ, उन्होंने ऐसे मंत्र बोले ना जो बेटी थी उन्होंने बेटा बना दिया। मतलब पहले ऋषि मुनियों में इतने शक्ति थी, उसका नाम हो गया सुदुम्न नाम हो गया। एक दिन ये सुदुम्न जो बड़ा हुआ वो अपना सैन्य सामंत को लेकर के घूमने के लिए गया। एक जंगल में प्रवेश करते ही सैन्य सामंत घोड़ा सब के सब घोड़ी हो गए। और इसने देखा मैं राजा नहीं, राज मैंने राजा ने मैं हो गया भी स्त्री लड़की राजकुमारी। बोले भैया ऐसे कैसे हो गया? बोले वो जो जंगल था ना वो शंकर जी रहते थे। एक समय शंकर जी पार्वती से मिल रहे थे, चतुसन शंकर जी के दर्शन के लिए गए। जब गए शंकर पार्वती दोनों मिल रहे थे, इतने में चतुसन आ गया और भैया पार्वती इतने शर्मिंदा में पड़ गई। बोले शंकर जी को ये कोई घर गृहस्थी है, जिसकी इच्छा हो वही मुँह उठा कर आ जाए, ये कोई घर गृहस्थी इसको कहते हैं? शंकर जी ने क्या क्या अभिशाप दे दिया, आज से ये जंगल में कोई भी पुरुष आएगा तो पुरुष नहीं रह जाएगा और स्त्री हो जाएगी। लेकिन इनको ये बात पता नहीं था और घर में घुसते ही सभ्य सब लड़की। फिर राजा को पता चला तो फिर वशिष्ठ के पास में गए। बोले देखो मेरी बेटी राजकुमारी हो, बेटा राजकुमार राजकुमारी हो गया, कुछ व्यवस्था करो। अरे भोले बाबा के पास में गए, भोले बाबा को प्रार्थना किया। भोले बाबा बोले देखो मैं एक काम कर सकता हूँ। बोले क्या काम कर सकता हूँ? बोले ये जो बेटी है ना, एक महीना बेटी रहेगी और ये एक महीना बेटा रहेगा, मैं कितना कर दूंगा? बोले भैया कम से कम इतना तो कर दो। तो उन्होंने इतना कर दिया। अरे कोई बात मत करो, जो जहाँ पर वहीं पर बैठ जाओ, आगे बताया कर कोई, जो जहाँ पर वहीं पर वो बैठ जाए। माता जी वही पीछे ही बैठो, आगे बताओ, वहीं पर बैठ जाओ, इधर आगे बताओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की हरे कृष्ण। इसलिए देखो एक व्यक्ति से दो वंश चलाए। जब उसने बेटी रही उनकी शादी भूत गोसात में हुआ, वहाँ से जो बच्चा हुआ ना उनसे ये चंद्रवंश चला और चंद्रवंश में भगवान हमारे श्री कृष्ण आए। लेकिन जब उसने बेटा था फिर राजकुमारी से शादी हुई तो वो गर्भवती रही, उससे जो बेटा हुआ है उससे सूर्य वंश चला और सूर्य वंश में हमारे प्रभु श्री रामचंद्र आए। देखो एक व्यक्ति से ही ये दो वंश चला, एक सूर्य वंश और एक चंद्र वंश। और ये दोनों वंश में हमारे हिंदू धर्म का व सनातन धर्म का जो दो भगवान हुए, जिनकी सबसे मीठी लीला सबसे प्यारी लीला किसकी है? भगवान राम की और भगवान श्री कृष्ण की। एक व्यक्ति से ही वो दोनों वंश चले। अभी हम लोग श्री कृष्ण कथा सुनेंगे। बोले कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्यो राज्ञाम च भयवंशना चरितम परमाद्भुतम। जब से सुखदेव गोस्वामी अभी कृष्ण कथा सुनाने जा रहे हैं, अभी जैसे टीवी में हम सीरियल देखते हैं उनके हृदय में तो ठाकुर जी की सारी लीला प्रकट हो गई। तब उन्होंने एक श्लोक में उन्होंने पूरे कृष्ण कथा गा लिया। कृष्ण कैसे मथुरा में प्रकट हुए, कृष्ण कैसे गोकुल में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कैसे पुतना अगास रूप अगास रूप कैसे मारे, कृष्ण कैसे गिरिराज महाराज की, हमने कैसे गिरिराज को उठाए, कृष्ण कैसे रास करवाए, कृष्ण कैसे मथुरा में कंस को उधार किए, कैसे कृष्ण द्वारका में 16108 पटरानियों से शादी की, हर रानियों से 10-10 लड़के और एक एक लड़की हुई, और वहाँ पर कैसे उन्होंने अभिशाप को ग्रहण करते हुए प्रभास क्षेत्र में गए और ठाकुर जी वहीं पर अपना अंतर्विल्ला को उन्होंने खत्म कर दिया। इतना बोल करके ना बोले श्री कृष्ण के नहीं आ लाल की बाल जय कर दिया, वहीं पर कथा विश्राम कर दी। परीक्षित महाराज देखने लग गए, बोले कृष्ण कथा हो गया? बोले हो गया ना, पूरी तो सुना दी। बोले मैं तो 4-4 दिन से बैठा हुआ हूँ, तो बोले कृष्ण कथा सुनने के लिए बैठा हुआ हूँ। जैसे अगस्त ऋषि ने चुप बैठो इधर उधर नहीं हो, जैसे अगस्त ऋषि ने एक चूल भर में
सारे उन्होंने समुद्र का पानी को पान कर लिया। आपको एक श्लोक में सारी कथा को आपने सुना दी, मेरे को आनंद नहीं आया। हम चाहता हूँ मेरे को तो और पूरा के पूरा तीन दिन हमें कृष्ण कथा में सुनाओ। फिर उन्होंने कृष्ण कथा को शुरू किया, बोले जिस समय श्री कंस ने बड़े अत्याचार जगत में किया, पृथ्वी दुखी हो गई, ब्रह्मा शंकर इनको लेकर के उन्होंने खीर समुद्र के तट पर गए, पुरुष सुप्त मंत्र से भगवान की आह्वान की, आकाशवाणी हुई, बोले हे देवताओं तुम्हारी दुख कष्ट को मैं समझ गया हूँ, तुम लोग जा करके मथुरा में जदुवंश में जन्म ग्रहण करो। हे देवियाँ सबके सब गोकुल में गोपी बन करके जन्म ग्रहण करो, मैं जल्दी से जल्दी आ रहा हूँ। इतने में कंस अपना प्यारी बहन जो देवकी थी उन्होंने वसुदेव के साथ में शादी करवाई, बहुत कुछ उन्होंने दहेज रूप में दिया है। और कंस स्वयं सारथी बन करके जब विदाई दे रहा था, बीच में आकाशवाणी हुई, बोले रे मुड़ा कंस, जिस देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक तुम विदाई दे रहे हो, देवकी की अष्टम गर्भ का संतान करे काल बनेगा। उन्होंने देखा ये देवता बानी, कभी देव बानी कभी झूठी नहीं होगी, इसलिए न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। मैं से तलवार निकाला, चोटी को पकड़ करके मारने जा रहा था, वसुदेव ने देखा ये आकाशवाणी कभी झूठी नहीं होगी, सच्ची होगी, क्योंकि देवता का वाणी। किसी तरह से मेरा कर्तव्य है ये देवकी को प्राण को रक्षा करना, सांप दाम दंड भेद नीति से बहुत तरह से समझाया। बोले देख बहन की शादी, अगर बहन को मारोगे ना जब तक जिंदा रहोगे तब तक लोग बोलेंगे बहन की हत्या है, इतने बदनामी तुम्हारी जीवन में होगा, ये कोई जीवन इसको कहते हैं। बोले तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? बोले मैंने भी सुनी। बोले ये बताओ एक दिन मरोगे नहीं? बोले हाँ मरूंगा। बोले कौन मरता है? ये शरीर, आत्मा थोड़ी मरती है, आत्मा को ये एक जैसे एक कपड़ा पुरानी हो जाने पर, जैसे एक कपड़ा को छोड़ करके हम एक नया कपड़ा धारण करते हैं, उसी तरह ये आत्मा ये शरीर पुरानी हो जाने पर इसको छोड़ करके एक नया शरीर धारण करता है। ये आत्मा तो न जायते न मृियते अजो नित्य शाश्वत, ये आत्मा है, आत्मा थोड़ी मरती, शरीर तो बदलती है। इसलिए फिर बहन को क्यों मारोगे? बोले भैया मारूंगा नहीं, फिर जल्दी मर जाऊंगा, मैं तो लंबा रहने वाला हूँ, तब भी नहीं मानता है। उन्होंने देखा मानेगा कैसे? बोले देख तो मेरे को जानता हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, ये बोले बाप जानता हूँ, बोले मैं कसम खाता हूँ मेरे जितने बच्चे होंगे ना सारे बच्चे तेरे को दे दूंगा, लेकिन तू अपना बहन को मत मारा करो। हैं जब उसने सोचा सारे बच्चे जब दे देना कोई बात नहीं, मेरे बच्चों को मार डालूंगा, अभी ठाकुर को जो इच्छा है उसने उनको छोड़ दिया। जब पहला बेटा हुआ कीर्तिमान तब उन्होंने कंस को दे दिया, उसका हृदय तो पिघल गया। बोले काल को हाथ में बच्चे को, उसका हृदय पिघल गया। बोले तेरे सत्यवाद में मैं संतुष्ट हूँ, ले ये बच्चे को ले ले, तेरे अष्टम गर्भ का बच्चे से मैं मतलब है। जब दे दिया ना, नारद जी ने देखा भैया गड़बड़ी हो गया। बोले क्या गड़बड़ी? भगवान कब आएंगे? जब पाप की घड़ा भरेगी, लेकिन इसकी हृदय में तो दया की भावना आ रही है, देवकी ऊपर दया कर रही है ना, देवकी तो बेटा कृष्ण बनेंगे, अगर देवकी के ऊपर दया करे ठाकुर फिर उसको दुष्टों को मारेंगे कैसे। बस नारद जी बिना बजाते बजाते श्री नारद बाबा आ गए। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। नारद जी एक गुप्त स्थान में आई, कंस को बुलाया। बोले कंस अभी अभी मैं ब्रह्म लोग से देव लोग से आ रहा हूँ, और मैंने देखा ब्रह्मा सारे देवता को लेकर मीटिंग कर रहे थे। जानते हो ये जदुवंशी कौन? ये और कोई नहीं, ये देवता लोग जदुवंश में जन्म लिए तेरे को मारने के लिए। जानते हो ये गोपियाँ और कोई नहीं, देवियाँ ये सब के सब प्लानिंग करके आई तेरे को मारने के लिए। तो उन्होंने एक फूल लाए थे कमल फूल, जिसमें आठ पंखुड़ियाँ थी। बोले बताओ इसमें पहला नंबर कौन, आठवां नंबर कौन? बोले गिनो। बोले एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। बोले उल्टा गिनो। बोले एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। बोले समझ में आ गया?
बोले गुरु को बगैर थोड़ी ज्ञान होता है, बताओ क्या बोलना चाहते हो। बोले जो आकाशवाणी हुई थी ना, अष्टम गर्भक संतान मरेगा। बोले हाँ। बोले तू तो इधर से एक या दो कर रहे हो, अगर वो उल्टा से गिने तो फिर क्या होगा। जिसको तू एक कर रहे हो क्या बन जाएगा, आठवां बन जाएगा। जब ये आठ भाई जन्म लेंगे धीरे धीरे बड़े होंगे कि नहीं, बड़े होंगे फिर को मिल कर मारेंगे सबके सब। बोले गुरु जी फिर तो सब को मार दो। बोले भैया मैं क्यों बताऊँ, तू जानता तेरा बाप जानता है। बाल भड़का दिया, भड़का करके नाल को भाग गए। फिर कंस ने छः छः बच्चों को मरवा दिया। यहाँ प्रश्न होता है, नारद जी इतने बड़े संत को मरवाया क्यों, इनको पाप लगेगा कि नहीं, बोलो पाप लगेगा कि नहीं, हाँ कि ना बोलो। उन्होंने छः बच्चों को मरवा दिया ना, हाँ भड़का दिया, हाँ इनको पाप नहीं लगेगा। क्यों, नारद जी इनके पूर्व कथा को जानते हैं। पूर्व में ये ब्रह्मा का छह पुत्र मर जी थे। एक समय ब्रह्मा जी एक सुंदर लड़की को जन्म दिया। वो लड़की इतनी सुंदर थी ब्रह्मा स्वयं आसक्त हो गया। और इन लोगों ने खूब हंसे देख करके हंसे थो। इतने में ब्रह्मा जी इनको अभिशाप दे दिया। बोले मेरे को देख कर हंसे, अपना पिताजी को हाथ में तीन जन्म मर के मुक्ति मिलेगी, दो जन्म मर चुके हैं। ये कंस पहले काल ने भी था, उसका बेटे बन करके आए, वही काल ने भी अभी कंस बन करके आया। यदि ये पिताजी के हाथ में मरेंगे तो इनकी जल्दी जल्दी उधार हो जाएगी। उन्होंने मरवाया नहीं, मुक्ति कर दिया। यदि ये एक अर्थ है। हाँ दूसरा अर्थ हो, ध्यान देकर सुना, कृष्ण अष्टम गर्भ में क्यों आए, सात में छह में क्यों नहीं आए। यहाँ पर शिक्षा देते हैं भगवान कहाँ प्रकट होते हैं। ये छह कौन हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य। कितना भगवान को पाना तो क्या करो, काम क्रोध लोभ को छोड़ो। इसलिए पहले इनको मारे, मतलब छह को पहले मार डालो। सप्तम गर्भ में कौन आए, बलदेव प्रभु। बलदेव प्रभु कौन, ये धाम स्वरूप है भगवान को जो धारण करने वाले। फिर अष्टम गर्भ में कौन आए, भगवान से कृष्ण चंद्र आए। ये एक अर्थ। दूसरा अर्थ क्या है, कि जैसे क्लास वन टू थ्री फोर फाइव होता है ना, जैसे पीएचडी करते हो, उसी तरह भक्ति जगत में कुछ सीढ़ियाँ हैं। भक्ति जगत का पहला सोपान क्या है, श्रद्धा। जैसे आप लोगों के अंदर में श्रद्धा है तभी तो यहाँ पर बैठे ना, श्रद्धा नहीं होता तो यहाँ थोड़ी बैठते नहीं। भक्ति का जो पहला सीढ़ी श्रद्धा, श्रद्धा है यहाँ पर आए। दूसरा क्लास दिया, बोले साधु संघ, अभी संतों से कथा सुन रहे हो। कितना बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ नाश होई। साधु संघ मिला, साधु संघ में तीसरा स्टेज किया, बोले भजन क्रिया। जब साधु संघ करेंगे फिर हमें पता चलेगा ये संसार क्या है, कहाँ से आए, क्या करनी चाहिए। जिनको हम अपना कहते हैं फिर चले जाते हैं क्यों, छोड़ते हैं क्यों संसार। फिर जब ये सब ज्ञान जीव को प्राप्त होता है, जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम कौन हैं, सब भगवान की संतान हैं, भगवान के हम बच्चे हैं। दुख क्यों मिल रहा है, क्योंकि भगवान को भक्ति छोड़ करके हम माया संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। जो अनित्य वस्तु ये कभी सुख दे ही नहीं सकता है, नित्य वस्तु ही सुख दे सकता है। और नित्य वस्तु भगवान है। इसलिए बोले अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जब तक ये जीव ठाकुर की शरण में नहीं जाए, ये पृथ्वी का जितने संपत्ति पाने पर भी सुख कभी नहीं बन सकता है। हम सोचते हैं ज्यादा पैसा से सुखी हो जाएंगे। बताओ रावण के पास में क्या कमी थी, सोने की लगता। हमारे पास में कितना सोना, 10 किलो 20 किलो, कितना सोना है बताओ, कितना सोना तुम्हारे पास में, उसका पूरा लड़का ही सोना शांति मिला। सोचते कि अच्छी छोरी से शादी होने पर शांति मिलेगी, उसकी पत्नी का नाम थी नंददरी, विश्वकर्मा की बेटी, मिस यूनिवर्सिटी उस समय में, इतनी सुंदरी। एक नहीं, जिसको मिला उसको पकड़ पकड़ कर पत्नी बनाया। बेटा इंद्रजी मेघनाथ, सवा लाख नाती 1 लाख पुत्र उसकी थे। लेकिन वो कहता है शंकर जी को पास में, कदा सुखी भवामी हे भोले बाबा, बड़ा बेचैन मन में, शांति नहीं, कब शांति मिलेगा। भैया जगत का वस्तु शांति नहीं देगा, शांति कब देगा, प्रभु की भक्ति दे सकता है शांति। इसलिए जब साधु संघ होगा ये चीज को पता चलेगा। फिर तीसरा स्टेज काम चला गया होगा। इसलिए जो तीसरा स्टेज किया, बोले भजन किया, फिर हम भगवान की भक्ति करते हैं। बोले पंचमा किया, जब भक्ति करेंगे हृदय से काम क्रोध लोप जाएगा। उसको बाद में छठमा, बोले रुचि। रुचि मतलब क्या है, जैसे अभी किसको भजन की बात बोलो ना, हरिनाम करो अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है अच्छा नहीं लगता। लेकिन कोई इधर उधर की बात हो, कोई सीरियल टीवी का सीरियल में हो, कोई सिनेमा देखो, तीन तीन घंटा बैठ कर देख लेते हैं,
बोले 10 मिनट माला करो, मन नहीं लगता इसको, मन चलचल हो जाता है, भगवान की भक्ति अच्छी नहीं लगती है, फिर क्या करना पड़ेगा, कहते रुचि। उदाहरण देते हैं जैसे मिश्री, आप लोगों ने मिश्री खाए हो, कौन कौन जिंदगी में मिश्री खाए, सब खाए, आप बताओ मिश्री खाने में कैसे लगता है, मीठी, लेकिन किस किस को कड़वा भी लगता है, बता सकते हो किसको कड़वा लगता है, कौन बोलेगा, बोलो बोलो किसको कड़वा लगता है मिश्री, जिसको पीलिया की रोग हो जाए ना, जल्दी से हो जाए, देखना वो जो कुछ खाएगा ना उसको सब कड़वा कड़वा लगेगा, लेकिन मिश्री मीठा है, कहते भगवान का नाम तो सबसे मीठा, इससे तो मीठा दुनिया में कुछ नहीं, लेकिन अभी भगवान का नाम भक्ति अभी मीठा नहीं लगता, क्यों, अभी चूंकि हमारी बीमारी हो गई, बीमारी किसी की भवरोग की बीमारी हो गई है, भगवान को भूल गए, पर क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर लोग पहले बोल रहे चूसो मिश्री को, धीरे 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 तुम्हारी कड़वापन जाते रहेगा, और जब मिश्री मीठा लगने लग जाए ना, क्या समझो तुम्हारी रोग खत्म हो गई, भगवान का नाम सबसे मीठा है, क्या करना पड़ेगा, उसको चूसते रहो, अच्छा नहीं लगने पर भी क्या करो, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, और एक बार जोर करके बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए इसको कहते हैं रुचि, मतलब अच्छी लगना, जो सप्तम स्टेज कभी निष्ठा व आसक्ति, जो निष्ठा हो जाती है ना भगवान की भक्ति में, भले ही जीवन में जितने विपत्ति आ जाए, कभी भगवान के भजन कभी नहीं छूटती, जैसे मीरा का नाम सुने होंगे, जब मीरा ने भजन की उसका परिवार पर विरोध हो गए, पूरा से पूरा परिवार विरोध हो गए, लेकिन मीरा ने कभी भजन छोड़ दिया, प्रभु की भजन नहीं छोड़ी, प्रभु की भक्ति नहीं छोड़ी है, इसलिए इसको कहते निष्ठा है, उसको बाद में आसक्ति भाव, और उसको बाद में प्रेम, प्रेम अष्टम स्टेज है, इसलिए भगवान कृष्णा अष्टम स्टेज में आए, जब हृदय का सारे अनर्थ खत्म हो जाएगा, साक्षात बलदेव प्रभु धाम रूप में हृदय में प्रकट होंगे, अष्टम गर्भ में भगवान श्री कृष्ण चंद्र आते हैं, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी श्री भगवान कृष्ण आने वाले, अभी आकाश मंडल में सारे देवता लोग को आकर के भगवान की गर्भ स्तुति कर रहे हैं, और ठाकुर जी को सबके सब स्वागत करते हैं, बोले सो स्वागतम कृष्णा, सो स्वागतम देवकी कारागार में अष्ट भुजा रूप लेकर भगवान प्रकट हुए, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान प्रकट हुए, विश्व ब्रह्मांड नाच उठे, सारा दुनिया में जय जयकार हो रहा है, देवता लोग पुष्प की बौछार कर रहे हैं, कंस ने कहा मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं कर सकते हैं, ठाकुर का नाम नहीं जप कर सकते, जो करेगा जल में बंद कर दूंगा, लेकिन बगैर हवन सामग्री के अपनी आग यज्ञ कुंड से अग्नि प्रज्वलित हो गया, और जो साधु संत को बंद कर दिया जेल में, पता नहीं उनका हृदय में अपने आप कहाँ से आनंद उमड़ पड़ा, बोले भैया हमारा क्या, कौन क्या कर सकता है, चलो हम सबके सब भगवान की नाम लेते हैं, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे। इतने में देवकी बोली प्रभु आपको तो मैंने अपना बालक रूप में प्रार्थना की, आप तो 16 साल की जैसे घूमड़ा घूमड़ा केस चमकले चमकले कपड़ा पहन करके आप आए हो, भगवान बोले देखो पूर्व जन्म में कृष्ण और सुतमा थे, कि बोले पेड़ की पत्ता खा खा करके 10,000 साल तपस्या किया, मैंने कहा बर मांगो, तुम दोनों ने कहा आप जैसे बेटा चाहिए, मैंने कहा मेरे जैसे बेटा तो कोई मेरे जैसे कोई होता ही नहीं, मेरे जैसे मैं हूँ,
मैं ही बेटा बन करके आऊंगा, इसलिए देखो अभी मैं बालक बन जाऊंगा और गोकुल में एक बेटी हुई है और मेरे को ले जाना और वहाँ सुला करके बेटी को ले आना। बोले प्रभु ये हथपेड़ी भेड़ी पड़ा हुआ पहरादार यहाँ पर जगे हुए कैसे जाऊंगा। बोले केवल एक काम करो, आप लोग भी एक काम करना। बोले एक काम किया है? बोले केवल मेरे को सर पर रख लो, मेरे पास सर पर रख लोगे ना, कितना करते हो तुम कन्या, मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। ठाकुर जी शिक्षा देते हैं अगर मेरे को सर पर रखोगे ना अपने आप तुम्हारी बंधन खत्म हो जाएगी। अगर खुद मालिकी बन जाओगे करने वाला मैं हूँ, सर विपत्ति विपत्ति आएगा, इसलिए मेरे को केवल अपना सर पर रखो। सर रखते ही सर पर क्या हुआ, हथकड़ी बड़ी खुल गई, पहरादार सो गए, भगवान को लेकर जा रहे हैं, रिमझिम बारिश हो रही थी, बड़ा देव प्रभु आकाश छत्री रूप में रक्षा कर रहे थे। यमुना को पास में गए तो लपालप पानी, कल कैसे पार हूँ। अंदर में जब गए यमुना देवी भी सोच रही है कम से कम ठाकुर का चरण स्पर्शन मुझे तो मिले, उन्होंने पीछे से चरण बढ़ा दिया, लेकिन गले तक जब पानी हो गया ना गले तक, वसुदेव महाराज बोले भैया कोई हो तो मेरे लाला को ले लो, कोई ले लो। अभी भी वो गांव का नाम है ना कोर ले। भगवान चरण पीछे बढ़ाए, यमुना देवी चरण स्पर्श करती, इतने में जोग माया के सियार बन करके आ गई, सामने चल रही थी, बोली इतनी सी बस उन्होंने पार हो गई। पार हो करके उन्होंने गोकुल में बेटे को रखे और वहाँ से बेटी को ले आए, लेकिन ये तो साधारण बात। लेकिन कल हम कथा सुनेंगे कृष्ण तो मथुरा में गए से प्रकट हुए, लेकिन कृष्ण जो गोकुल की जो कथा है ना सबसे प्यारी कथा, बड़ी मीठी कथा है। कल जल्दी जल्दी आ जाना, फिर हम लोग सबसे पहले श्री गोकुल में कृष्ण कैसे जन्म हुए ये कथा का हम अच्छे तरह से सुनेंगे। और कल श्री राधा रानी में जन्म लेगी, कल कौन सा रानी का साड़ी पहन करके आओगी, कौन सा बोलो, गुलाबी रंग की, ठीक है। और जो परसू है ना, देखो जो परसू है ये गिरिराज पूजा है, ये जो गिरिराज पूजा की बड़ी महत्व है, ये भगवान कृष्ण स्वयं बोले ये गिरिराज की जो सेवा में एक किनिका जो चावल का भोग में लगा दे किसी जीवन में अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं पड़ेगी, इसलिए जो परसू है वो गिरिराज पूजा है उसका बड़ी महत्व है, ठीक है। उसी दिन अपना अपना घर से अपना घर से कुछ ना कुछ बना कर खिलाना, कोई हलवा हो पूरी हो कोई सब्जी हो कोई मिठाई हो फल हो कुछ ना कुछ लेकर के आप लोग आना। यहाँ पर कोई फूल है, कोई फूल, हरे कृष्णा आ जाओ प्रभु जी आ जाओ, अभी भगवान कृष्ण आ रहे हैं। माइकी वाले भैया कहाँ चले गए, अरे माइकी वाले कहाँ छुप जाते हो। हाँ प्रभु जी आप कृष्ण को लेकर के आ जाओ, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय। यहाँ पर कुछ वहाँ पर दो चेयर ले आओ, ये दोनों के लिए दो चेयर ले आओ, बैठ ले। देखो जो हमारे लाला कन्हैया को जन्म दिया, पीछे कोई माता जी को चेयर दे दो, जो पीछे चेयर पे बैठे हो ये चेयर भी इनको दे दो। अरे पूरा ब्रज मंडल और कोई चेयर हो तो वो चेयर भी दे दो। हाँ बोलो, जैसे हलवाई की दुकान पर मिठाई सजी है ऐसे ही पूरा ब्रजमंडल मिठाइयों में प्रबंधित हो गया। ये थोड़ा ये रिदम के भी बोले पड़ा था इस योग में। Yeah, yo, yes, sir.
ये फूल में क्यों पकड़े रहते, सब हाथ में रखेंगे। ओ नंदी जू के अंगना में बजी रही आज बधाई, नंदी जू के अंगना में बजी रही आज बधाई, नंदी जू के अंगना में बजी रही आज बधाई, नंदी जू के अंगना में बजी रही आज बधाई। Thank you.